क्या है मामला, काहे इतना परेशान है आप लोग? किसान है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये खेती जानवर सब चल रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, ना धान मिलता है ना गेहूं मिलता है। ये तो देवरिया बड़ा वीर बाबा का स्थान है और यहाँ पे जो है सरकार द्वारा तार घेर करके जो है पुरातत्व विभाग के कब्जे में है, फिर भी यहाँ इतने छोटा जानवर हैं, इसका कारण क्या है? अब कारण यही है कि सब यही खाली मैदान है, अब इसी में सब लोग रख देते हैं अपना। क्यों, सरकार द्वारा संचालित गौशाला है यहाँ पे जो है क्षेत्र में, उसके जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, यहीं से आधा किलोमीटर दूर पे जो है विकास खंड मानदाता है, जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं? कोई देखने तक आया नहीं यहाँ पे, जो है कितनी पशु यहाँ पड़ी है, जो है कोई देखने आ जाए। लगभग गौशाला में इसमें जो आप लोगों ने तार के अंदर जानवर डाला है, कितने जानवर होंगे? लगभग 50 जानवर होंगे, 50 से ज्यादा है सर। ये सब छोटा जानवर है कि इसी गांव के लोगों ने छोड़ा है इसको? नहीं, सब छोटे जानवर छुट्टे हैं, जो है बाहर से आए हैं यहाँ पे, सब रात में बाहर से छोड़ रहे हैं। आधे ज्यादा चले गए हैं, जो रात में गाड़ी से आते हैं, आधे ज्यादा देते हैं यही, और कहते हैं गवर्नमेंट का खाता है उसी में रहे अपन। लेकिन शासन प्रशासन तो नहीं ध्यान दे रहा है, जिम्मेदार जिम्मेदार अफसर जो है नहीं ध्यान दे रहे हैं, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शुक्ला श्रीमान जी मेरा नाम है। किस गांव में है मकान? बस यही सरायनहरा में मेरा घर है। आपका शुभ नाम? राम सुमेर, सरायनहरा। बेटा ये तो ऐतिहासिक स्थल है इस पुरातत्व विभाग का, और देवरिया बड़ा सराय नाहर राय ग्राम सभा विकास खंड मानदाता के अंतर्गत है। इतने जानवर यहाँ पे जो है ये कटीले तार के अंदर क्यों लगाया गया है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? इतने जानवर यहाँ पे आवारा टहल रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई है आप लोगों को? सर ये दिक्कत है कि गांव की जो जितने भी किसान हैं खेती करने में ये खुल जाते हैं तो पूरा खेत को बेकार कर डालते हैं, सब चर उर के मतलब कचर डालते हैं पूरा। तो कुल मिला करके ये जो शासन द्वारा गौशाला स्थापित हुई है यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है लेकिन कोई ले ही नहीं जाता, शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे, आप लोगों की समस्या पे ध्यान नहीं, यहीं पर पुलिस आकर बैठते वो भी नहीं देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? नौनी सरोज। पिताजी का नाम? सरवण कुमार सरोज। गाँव? सरायनहरा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।